Bismillahirrahmanirrahim. Now students, we are starting our exercise 6.9, and in exercise 6.9 we are discussing method to solve the simultaneous linear equation. There are three methods to solve simultaneous linear equation. First method is equating the coefficient. Second method is elimination by substitution, and the third one is cross multiplication. Now we are discussing these three formula in our exercise. First question is depending on first method, second is on a second method, and third one is on third method. First question is, find a solution set by using the method of equating the coefficient. Two equations are given to you. You have to find the solution set of the following. Means you have to find the value of x and the value of y by using equating the coefficient method, our first method to solve simultaneous linear equation. In this question, our first step is we have to creating the equations as a number. Aap in dono equations ko number denge, equation number 1 and equation number 2. Now the question is, what is the question? Solve the solution set, find the solution set by using method of equating the coefficients. Equating means equal karna coefficients coefficient ko. अब आपने ये देखना है कि आपने वेरिएबल का साथ ये जो नंबर है, दिस इज़ नाउन एज अ कोफिशेंट. आपने कोफिशेंट्स को इक्वल करना है. यहाँ है 2x, इस x के साथ कोई वैल्यू नहीं है. जब इस x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो आप सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x बन जाएगा. आपका x यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x होगा. सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि इज एनी वेरिएबल विच इज़ सिंगल विच हैव द कोफिशेंट 1. कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशेंट 1 हो. अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो आप वो वाली इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. क्या करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड मल्टीप्लाई विथ 2. जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2x. ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 8. नाउ दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. अब आप सेकेंड को निग्लेक्ट कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे. अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. नाउ अब आपने ये देखना है कि ये 2x है, ये भी 2x है, इन दोनों के साइन सेम है. यस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है. अगर यहाँ पे आपके पास साइन सेम होंगे, वेरिएबल के साइन सेम होंगे, तो आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्लियर? और अगर साइन आपके पास डिफरेंट होंगे तो आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना. दिस इज़ द पॉइंट विच हैव यू टू इन योर माइंड. कीप इन माइंड के सेम साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिफरेंट साइंस होंगे तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. यहाँ साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 and 3. क्लियर? नाउ इट बिकम्स 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. सब्ट्रैक्शन का रूल है कि आपके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के. अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 2, x कैंसल. 5y प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 9. y इज इक्वल टू माइनस 9 over 9. 9 ones are y इज इक्वल टू माइनस 1. क्लियर स्टूडेंट्स? y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1. नाउ आपके पास y जो है वो माइनस 1 आया. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 or 2, आपकी मर्जी. आप इक्वेशन 1 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. क्लियर? हम 1 में पुट कर देते हैं. जहाँ पे आपके पास y है, इन द प्लेस ऑफ y यू हैव टू पुट माइनस 1. क्लियर? नाउ इट बिकम्स 2x
माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर बाय टू, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, एक्स इज इक्वल टू टू. नाउ सो यू हैव टू राइट एज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हमेशा आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे टू, और फिर आप हमेशा वाई की वैल्यू लिखेंगे माइनस वन. क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर आप हमेशा इन्हीं ब्रैकेट्स में रिटर्न करेंगे. क्लियर? नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट. उसी तरह से सबसे पहला स्टेप हमारा है, हम नंबरिंग करेंगे दोनों को. इक्वेशंस को नंबर देने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट भी सेम है, वाई के कोफिशिएंट भी सेम है, एक्स के साइन सेम है, वाई के साइन डिफरेंट है. इन इक्वेशन को आप ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐड किया, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हम ऐड कर लेते हैं. ऐड इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू हियर. इट बिकम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. इट बिकम्स टू एक्स, दे विल बी कैंसल्ड एंड इज इक्वल टू टू. एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू वन. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, आपकी अपनी मर्जी है, आप इक्वेशन वन में पुट कर दें, इक्वेशन टू में पुट कर दें, तो हम इक्वेशन वन में ही पुट कर लेते हैं. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह पे वन, प्लस वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू टू, माइनस वन हो जाएगा तो वाई हमारे पास वन आ गया. सो सॉल्यूशन सेट आप लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वन बाय वन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दीज फोर पार्ट्स. ये फोर पार्ट्स आप खुद करेंगे, ये दोनों पार्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होंगे. इन पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ टू है, यहाँ कोफिशियंट थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ आप इन दोनों कोफिशियंट्स को इक्वल करना है. किस तरह से करना है कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो आपने इन दोनों कोफिशियंट्स को इक्वल करने के लिए क्या करना है कि आपने इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर देना है थ्री के साथ, और इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई कर देना है टू के साथ, इसके साथ नीचे वाली इक्वेशन को और इसके साथ ऊपर वाली इक्वेशन. इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये आपके दोनों वेरिएबल्स की जो कोफिशियंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे. इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर वन को इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देंगे आप थ्री से, और इक्वेशन टू जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव से, और इक्वेशन टू जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टू फोर पार्ट्स बाय योरसेल्फ.